साल के हैं। सनेम सनेम तुम ये क्या कर रही हो? पूरी नजरों के बारे में मत भूलना। इसका क्या कनेक्शन है जेजे? अरे क्यों क्यों, तुम नहीं जानती? मेरे साथ गेम्स मत खेलो सनेम, ये लो। ओके जेजे, ओके। अरे तुम अपने काम पे ध्यान दो, चलो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सब लोग तुम्हें घूर घूर के देख रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम ये सिर्फ मिस्टर जान के लिए कर रही हो, है ना? वो यहाँ नहीं आए हैं। जान, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कैसे? मेरा मतलब है कि अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो ना मिस्टर जान को बिलोंग करता है। हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। तुम कहो और देखो। मिस्टर जान, मिस्टर जान, 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 ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। क्या मैं मर गई हूँ? मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा इंसुलिन लेवल, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है, मैं ठीक हूँ। पर सनी मुझे समझाओ, ये किस तरह का रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम है? तुम इतना सच धज के सीधे यहाँ आई हो, लोग तुम्हें देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं, क्यों करती हो ऐसा? जी जी, मैं पहले से ही ऐसी थी, मेरा कुछ जरूरी सामान यहाँ रह गया है, इसीलिए मैं उसे लेने आई हूँ यहाँ से बस। अच्छा सामान। मिस्टर जान, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर जान आ रहे हैं सनेम। सॉरी मिस्टर जान। खुद को संभालो सनेम, तुम यहाँ सामान लेने आई हो, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? जल्दी से अपना सामान लो और निकलो, चलो चलो। कितने पुशी हो जे जे। वैसे मेरा कुछ सामान मिस्टर जान के रूम में भी रह गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। तुम लोग काम करो। हेलो मिस्टर जान। हेलो मिस्टर जान, कैसे हैं आप? वैसे मेरा यहाँ कुछ जरूरी सामान रह गया है, मैं आपका माइंड लेने आई हूँ। ओह माफ करना, मैं कुछ चीजें लेने आई हूँ। ओह गॉड, ब्रीथ। नहीं, मैंने वो स्वॉलो कर दिया, मैं तुम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। क्या मेरा कोई सामान छूट गया है यहाँ? हाँ हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं, जरूर। तुम्हारा परफ्यूम। मुझे लगता है कि मैंने परफ्यूम कुछ ज्यादा ही लगा दिया है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं खिड़की खोल दूँ? बाहर बाहर ठंड है, उसे मत खोलो, ठीक है? नहीं जान, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एक्चुअली तुम्हें पता है क्यों? वजह जानोगी तुम। हाँ? मुझे लगता है कि मुझे सर्दी हो गई है, कफ हो गया है, तुम समझ सकती हो ना, इस वजह से मुझे स्मेल नहीं आ रही है, मेरा नाक बंद हो गया है और कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा। ओ ऐसी बात है, मैं बस सेंस कर पा रहा हूँ। हाँ आजकल लोग बीमार है एपिडेमिक वायरस की वजह से शायद। ओके तो अब मैं जाती हूँ काम करने। तुम्हारा सामान। सॉरी। वैसे आज तुम काफी अलग लग रही हो, काफी डिफरेंट। हाँ मैं करेक्ट वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, यू नो, थोड़ा असर्टिव, मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ गलत सोचो, पर कुछ अलग, यू नो, डिफरेंट। अलग कैसे? नहीं, कुछ अलग सी लग रही हो। अलग? आप भी अलग लग रहे हैं। आप पहले ऐसे नॉट नहीं बांधते थे? हाँ, एक्चुअली लोग कहते हैं कि मुझ पर जचता है। हाँ हाँ, और वो ऑर्नामेंट्स, वो सारे गैलेक्सी स्टार्स, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पर। यप, और मेरा बेल्ट। हाँ वैसे आपका वो एल्बिट्रोस का टैटू, उसका क्या हुआ? वो वही है या फिर उड़ गया वहाँ से? अगर वो उड़ भी गया तो वो वापस आ जाएगा, वो उसके मालिक को जानता है। नहीं नहीं, वो नहीं उड़ेगा। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे ऑर्नामेंट्स में कंफर्टेबल तो है। वैसे मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ, और आप अभी बच्चे थोड़ी हैं। मैं वही आदमी हूँ जिसे तुम जानती हो, मैं वही हूँ, तुम बदल गई हो। देखो बाहर, देखो बर्फ गिर रही है और मौसम कितना ठंडा हो रखा है, और तुमने देखो क्या ड्रेस पहन रखी है। मेरा मतलब इस वेदर में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है?
थोड़ा अजीब है नहीं? वैसे तुम्हें सर्दी हो जाएगी, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। हाँ मैं समझ गई, मैं बस आपको वार्न कर रही थी दोस्ती के नाते और कुछ नहीं। थैंक यू माय फ्रेंड। क्या तुम्हें वो सामान मिल गया जो तुम ढूंढ रही थी? हाँ मेरी फाइल्स, मेरा काम, मेरी पेंसिल पर एक दिल भी था, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। हाँ वो मुझे मिल गया, ये रहा वो, ये है मेरा पेंसिल वाला दिल। वेरी गुड। इस पेंसिल के पास अपना खुद का दिल भी है। मेरी टूट गई है, मैं मेरी दे सकती हूँ। मेरी पेंसिल मैं आपको दे सकती हूँ। I don't think मुझे अब उसकी जरूरत पड़ेगी। आप मना कर रहे हैं। Okay, see you. At see least you. For short time. वैसे वो फाइल फाइल्स हाँ मैं अभी देखती हूँ। हाँ वो वही है, रुको मुझे लेने दो, मेरा लेटेस्ट काम है। पर हाँ मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप अपना टैटू चेक कर लीजिए। कितना हैंडसम। मैं तो फोकस ही नहीं कर पाई। क्या यार उसने क्या ही किया, वो एक आर ग्लास जैसी है।